पेट्रोल ना है, पेट्रोल पंप कुठे भेटेल? त्या बाजूला आहे का? इथं तुम्ही छोटी लोक की वजह से कितना प्रॉब्लेम होता है। पेट्रोल Hey guys, welcome to my YouTube channel, man. Come on, you know, पिछले दो दिन से मुंबई और नवी मुंबई में ना बहुत ज़्यादा ही इश्यू हो रहा है, खास करके ये ट्रक ड्राइवर लोगों की वजह से। एंड होपफुली नो कल आई सीन अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, सो जो पेट्रोल का शॉर्टेज है, इफ आई एम शिवरिंग आई एम सॉरी बिकॉज इट्स टू कोल्ड आउट हियर। सो अगर पेट्रोल का शॉर्टेज काफ़ी हो रहा था, रीज़न लाइक यू नो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, लाइक यू नो महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेप अहेड, लाइक डू दे हैड अ मूव, सो विच इज़ गुड, आम जनता को पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिस्टर अली दारू वाला एंड प्रोवाइडिंग पेट्रोल। ओह गॉड, आई एम नॉट एबल टू सी अ सिंगल ट्रक ऑन हाईवेज बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक्स। And also central government imposed a new rule for this truck drivers, like you know, if you hit and run, they probably you know say edible oil. Okay, I thought it's petrol. So if you hit and run, 7 years of I think 10 years of imprisonment and 7 lakh rupees fine, I guess. So ये rule काफी truck driver लोगों को खुश नहीं हो पाया. The reason they got pissed. Or like you know they wanted to get into a little bit of violence, so not little bit of, they actually violent. Look at this, every single truck on highways, nobody is fucking driving, sab truck band hai, and because of this idiots, tum apna kaam barabar chalaoge to tum ye sab kya hone wala hai. I'm not like yaar, main janta hu economically itne strongs wagera nahi hoti hai, so I've seen cases of accident in this particular road. लोग जानते नहीं हो कि कितना गलतियां करती है ट्रक ड्राइवर्स। आई हैव सीन कपल ऑफ टाइम्स, ओके, आई हैव सीन मेनी एक्सीडेंट्स इन पर्टिकुलरली दिस रोड, और स्टिल दे लाइक यू नो क्लेमिंग फॉर इट कि मतलब गलती नहीं हुआ है, मतलब हम लोग गलती नहीं कर सकते। आई नो दैट एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, बट स्टिल लाइक यू नो गलती कभी कभी एक साइड से होती है, दूसरे साइड से करने वाला क्या करेगा। कम ऑन मैन, बैक ऑन ट्रैक, यू हैव अ फैमिली टू फीड। ये सब स्ट्राइक वाइक बंद करो, बट यू नो बैक टू द रूटीन। लुक एट दिस गाय, व्हाट इज ही डूइंग। होप आज पेट्रोल मिल जाए, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी कम है मेरी बाइक में। सोच रहा हूँ यार मैं उधर ही भरा लेता, मेल में ही भरा लेता, तो लेट्स फिगर। एक्चुअली मैं हेडिंग बैक टू लाइक ऑब्वियसली मैं अपने दोस्त के घर, प्लस वेल एस मैं आज वो बीच दिखाई देता हूँ यार, मैं जा रहा हूँ उरन का बीच सुबह सुबह, यू नो आई थॉट लेट्स गिव अ ट्राई। तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैं उड़ गया था कुछ समथिंग अराउंड 5 in the morning, सो आई कॉल हिम, सो ड्यूड व्हाट आर यू डूइंग, सेड आई एम गोइंग टू द जिम, सो स्किप द जिम टुडे, हम जाएंगे बीच। तो वो बोला नहीं मैं जिम जाके आता हूँ, उसके बाद अपन जाएंगे। तो ओके फाइन, मैं उसके घर पहुँचते वो हो जाएगा उसका सेशन। तो मैंने बोला चलो, आई गेस मुझे भी थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए था, तो मैं बाद में जाऊँगा, बाद में, यानी कि मैं उसके साथ ही वर्कआउट करता हूँ मोस्टली, तो आज स्किप किया, खेला जाऊँगा वर्कआउट करने। टुडे इज लेग डे ब्रो, लेग डे, चलो देखते हैं। वाव, आई थिंक आफ्टर, मेरे ख्याल से ये जो सिनारियो देखने को मिल रहा है मुझे, आई थिंक मेरे ख्याल से ये 2020 में मिला था, जब लॉकडाउन था उस टाइम पे मेरा ऑफिस हुआ करता था, तो ऑफिस में ऑफिस जाना था, देयर वाज नो सिंगल व्हीकल ऑन रोड। अनफॉर्चुनेटली मेरा ऑफिस मुझे जाना पड़ा, क्योंकि आई लाइक आई एम वर्किंग फॉर सम
ना ऑर्गेनाइजेशन की मुझे जाना ही पड़ा, तो आई हैड अ स्पेशल परमिशन टू गेट थ्रू ऑफिस, तो ऑब्वियसली लेटर वेटर बना के ही ले गया था, ऐसे नहीं गया था मैं, तो उस टाइम पे ये सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ इतना नहीं दिखती थी, तो ये तो अभी तो गाड़ियाँ दिख रही है, एटलीस्ट दो तीन गाड़ियाँ दिख रही, उस टाइम पर तो बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी, एक भी रोड पर नहीं दिख रही थी। लोगो क्या मज़ा है, यू नो दिस इज़ अ फन, और यू नॉट इवन अ हाई स्पीड, लाइक यू नो आई एम राइडिंग इन अ 65 or 66, ओके, तो एम्प्टी रोड, वाओ, इट्स बीन अमेजिंग। अरे यार क्या हो गया, वो जो आगे दिख रहा है इट्स नॉट इवन फॉग, ओके, इट्स कॉल्ड ब्लडी फकिंग डस्ट। पता नहीं यार मॉनसून में ना ज़्यादा डस्ट उड़ते, ज़्यादा ही उड़ते मॉनसून में, मे बी कुछ साइंटिफिक रीज़न हो सकता है उसका, बट आई एम नॉट श्योर। आज मुझे जाना है, I have to do something about it, like you know, I have to take to my bike to the service center because थोड़ा बहुत इसको काम से काम पे लगाना है, मैं कुछ 3-4 दिन से इसको लगातार चला रहा हूँ और समझ में आ रहा है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन इट करके, ये वाला मेरा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरा दोस्त मयूर साले तूने ठीक से एडजस्ट नहीं किया, यू वॉचिंग दिस फक यू। Mayur is my friend and my senior me here, chief mechanic of my bike. So anything happened to my bike, I had to take it up because this guy is good at you know repairing bike. So वो craft वगैरह कर लेता है, even though सब संभाल लेता है. Yes, shout out to Mr. Mayur. मयूर मेरा चीफ मैकेनिक एज वेल एज गुड बाइक का क्या बोल रहे थे, टेक केयर ऑफ करता है, देखभाल सो क्या, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक 8 in the morning and no one is, oh god, I've seen one truck. Here we go, at least one sensible person on track. Okay, he knows I have a family to feed, he knows it. Please, I am hoodie video paint ke mast chala raha hu thanda, mujhe actually hoodie nahi pehenna chahiye tha. यार सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाएगा ना तो हुडी पहनना पड़ता है, टू 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 टू। आई थिंक ये जो ट्रक चल रही है, जो खास करके ये क्या बोल रही है वो वाला ट्रक, उसको आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, वो वाला ट्रक जा रहा है, तो मेरे ख्याल से कल के गवर्नमेंट आए, सो आई रियली डोंट थिंक कि मुझे क्या बोलते हैं उसको शो अपलोड करना चाहिए, कितना भी उसमें टिंकरिंग कर लो ऑन यूट्यूब, बट इट्स फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सो आई लव जंप ऑन। कितना एम्प्टी है यार सुबह सुबह रोड, खास करके लाइक यू राइडिंग इन द मॉर्निंग तो और एम्प्टी रहता है, इवन दो ये स्ट्राइक बाइक नहीं चल रहा है तो उसके बावजूद तो रोड एम्प्टी रहता है मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्ली मॉर्निंग में अवॉइड करते, ट्रक ड्राइवर्स खास करके जो बड़े बड़े व्हीकल्स वाले वो लोग अवॉइड करते, क्योंकि उनको नींद आता है, क्योंकि ऑल नाइट दे ड्राइव। क्या देखो यार मेरा तो ओपिनियन मैंने बता चुका है, ये स्ट्राइक जो ड्राइवर लोग जो कर रहे हैं अभी, ये जो स्ट्राइक बाइक, मुझे नहीं लगता है कोई सेंस है इस बात की,
आई गिविंग यू फुल फकिंग स्पेस, तू यहाँ से लेके जा रहा है चूतिए। ये सब गवार है, गवार चूतिए लोग। अब क्या अब सुबह सुबह दिमाग खराब कर देते। I hate somebody who is not following any rules. क्या कह रहा था मैं? या मैन, अगर किसी को कुछ लगता है लाइक यू नो इस बात की कोई सेंस है और सेंस नहीं है यार, अगर तुम एक दो कमेंट भी कर दोगे ना, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द पीपल्स ओपिनियन whether it's good or not. I guess मुझे लगता है कि ना, आई डोंट थिंक तुम अपना काम लेके नो, देर शुड बी सम रूल। आई बिलीव देर शुड बी सम रूल फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल, और मुझे लगता है कि उसे इम्पोज करने में कुछ गलत नहीं है। अगर क्योंकि इंडिया में रूल्स जितने होते हैं उसके बावजूद कोई फॉलो नहीं करता है, और कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि वो रूल्स की वजह से कुछ लोग नो गलतियाँ नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये रूल्स इंडिया में ना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। अगर तुम थोड़ा सा सेंसेबल, तुम लोग यू नो एक्ट लाइक मैच्योर गाय, तो तुम्हें रूल्स वगैरह कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वेदर इज़ राइट और रॉन्ग, प्रॉब्ली एवरी रूल्स आर राइट, बट उसे मैच्योरिटी उस टाइम पे हिट होती है, तुम्हें समझ में आता है यार ये तो गलत है। ओके, इफ़ समबडी इज़ इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ रूल्स इन इंडिया, सो Which is good for the country, which is good for you, and which is good for every single individual. तुम समझना चाहिए, लेकिन नहीं, लोगों को उनसे नहीं। यहाँ पे ना स्पेशली आवर कंट्री, लोगों को रूल से नफरत है। बिल्कुल, आई एम एब्सोल्युटली लाइक आई एम नॉट गोइंग टू से लाइक यू नो, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई एम नॉट गोइंग टेक माय वर्ड बैक। दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडिया, स्पेशली मेरे देश में, क्योंकि आई बिलोंग टू माई कंट्री, बिलोंग टू माई ग्रेट भारत। मैं बोल रहा हूँ यार, जब भी कुछ भी गवर्नमेंट रूल कुछ भी बोलना है ना, एवरी सिंगल इंडिविजुअल दे ट्राई टू बी लाइक लिटिल कम्युनिस्ट। पता नहीं क्यों लिटिल नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ये लोग। समझो ना, क्या गलत क्या है। गो टू यूरोप, गो टू अमेरिका, समझ में आ जाएगा व्हाट आर द रूल्स। Stupid. I'm really pissed sometimes. I don't know. I just lost it. Sorry. क्योंकि मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है मैन जब कोई रूल फॉलो नहीं करता है। ओके, मुझे गुस्सा आता है। और what is this? Supercar? अभी मेरे बाइक में सिर्फ एक पॉइंट बचा है पेट्रोल। अगर मुझे आज पेट्रोल नहीं मिला ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ यार, मैं ना अभी नहीं मिला ना भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा भाई। चुद मैं अम्मा बहन भी आ जाऊँगा मैं यार अभी। प्लीज़ यार ग्रो अप। ओके, प्लीज़ ये सब स्ट्राइक वाइक बंद करो, क्योंकि तुम लोग जैसे हम लोग, हमारे जैसे आम आदमी यू नो हैव टू गो थ्रू। डोंट बी रिग्रेसिव, ओके, थोड़ा बहुत रिग्रेसिव यू नो, रिग्रेसिव आई डोंट नो व्हाट से हिंदी, बट वो सब यू नो सोच को थोड़ा पीछे छोड़ के जस्ट मूव ऑन, डू समथिंग फॉर योर कंट्री, समथिंग फॉर योर फैमिली। आई नो यू आर द ओनली ब्रेडविनर फॉर योर फैमिली, स्टिल यू डूइंग दिस स्टुपिडिटी। ऑलमोस्ट रिच। ओके, मुझे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू ईट आउटसाइड, क्योंकि मुझे आई थिंक मिडनाइट में इतना भूख लग रहा था, उसके बावजूद मैं ऑर्डर नहीं किया। आई एम ऑन अ ब्लडी फकिंग डाइट, नॉट लूजिंग वेट, बट स्टिल इट्स लाइक यू नो जस्ट वांटेड टू बी क्लीन और हेल्दी, तो इसीलिए I don't think I should be eating outside.
रूल फॉर दिस ट्रक ड्राइवर्स के लिए. उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हो रहा है यार, मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर ही ले लेना चाहिए था. ये पेट्रोल वाला लेके लाइक हैव टू फाइंड अ पेट्रोल पम्प नाउ नो मैटर व्हाट. अब मैं कहाँ जाऊँ वो समझ में नहीं आ रहा. अब मुझे पेट्रोल पम्प कहाँ मिलेगा? पेट्रोल डालने के लिए इतना दूर आना पड़ेगा? अभी किसी को पूछते यार यहाँ पे पेट्रोल पम्प है किधर? मुझे कोई आइडिया नहीं यहाँ पे पेट्रोल पम्प किधर है. दैट रोड आई डोंट थिंक सो. अगर मैं बीच जाके बीच से फिर यू नो इफ आई एम हेडिंग बैक होम सो द प्रॉब्ली आई गॉट स्टक. चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग पीछे देख मैन, ये मिरर्स का कुछ करना पड़ेगा. पुलिस कर क्या रही है यार? ये स्ट्राइक बाइक हटाओ जल्दी से, पेट्रोल ढूंढने के लिए इतना दूर आना पड़ रहा है मेरे को. अगर किसी को पता नहीं है लोकेशन कहाँ है, आई एम जस्ट एंटरिंग इनटू दिस प्लेस कॉल्ड वुरन. यहाँ पे ऐसा ही होता है. लेट्स फिगर इट आउट. किसी को पूछे नहीं, यही कहीं ना कहीं यहाँ हो सकता है, होना चाहिए. गाड़ी चला भाई, मैं मोबाइल यूज करता हूँ, ऐसी वाली बात है ये तो. It's pretty good. This is Uran. Petrol. यहाँ से ब्रिज के आगे मिलेगा पेट्रोल पंप है, आगे है. इलेक्ट्रिक वाले को पेट्रोल पंप कुठे भेटल? त्या बाजूला है का? इथं नाही, समोर नाही. ओके. आई थिंक आई शुड पहले पेट्रोल डालते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं, क्योंकि पेट्रोल के बिना कहीं जाना मुश्किल है. प्लीज डोंट डू स्टूपिड स्ट्राइक इन ऑल. पेट्रोल के बिना मतलब कितना प्रॉब्लमेटिक है, एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू. तो खास करके मैं, तो मैंने क्या गलती की यार, मैं तो यार हफ्ते में एक बार अभी यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला ब्रो. मुझे लगता है यहाँ पे भी नहीं है, हम देखेंगे रॉन्ग वे. आगे पूछते यार, पेट्रोल के बिना सर्वाइवल होना मुश्किल हो जाता है. आई हैव ओनली वन पॉइंट और मैं घर से इतना दूर हूँ पूछो मत, बहुत ज़्यादा दूर हूँ. अब मैं वॉलेट भी कैरी नहीं कर रहा हूँ, बस पकड़ के जाना है तो मुश्किल हो जाएगा यार. माना कि बाइक वगैरह पार्क करके चला जाऊँगा कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा यार, ऐसा नहीं चलेगा ना. है दिखा पेट्रोल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प दिखा मेरे को एक. पेट्रोल मिल जाए यार यहाँ पे, पेट्रोल के तो कुछ होगा नहीं. बैठा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है. है ये तो CNG है बे. बाइक लीटर 400 भी रहेगा तो चलेगा, बट आई हैव टू. पेट्रोल है? दिस इज अ रियली पैथेटिक मैन. क्या है तुम लोग का, तुम लोग स्ट्राइक वाइक करके कितना प्रॉब्लम हो रहा है देखो.
तो हम लोग ने क्या किया यार, हमारा क्या प्रॉब्लम है? मान के चल किसी को ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाना है तो वो क्या करेगा बेचारा? बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आई रियली डोंट लाइक इट, नो एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज पैथेटिक। बहुत ज़्यादा ही बोलते ना, स्टुपिडिटी है, लाइक एक्सट्रीम लेवल में स्टुपिडिटी है ये। तुम लोग स्ट्राइक करने के चक्कर में हमारा महाबैन कर देते हो, अभी पेट्रोल नहीं मिलेगा तो यार मतलब ऑफिस कैसे जाऊँगा कल मैं? वो इलेक्ट्रिक वाले से मतलब सजेशन में इलेक्ट्रिक ले लेना चाहिए था मुझे। फक दिस वेंचर, आज स्टुपिडिटी है यार, मुझे नहीं करना है ये सब। फकिंग इडियट्स, कितना प्रॉब्लम होता है। अच्छा आम आदमी किधर जाएगा? अभी आगे भी पेट्रोल नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को ये। जाओ यार, यहाँ दिमाग खराब है, वहाँ मत करो कोई पीछे से। यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे दिस इज स्टुपिडिटी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टुपिडिटी यार। हिंदी में चूतिया गिरी है ये, बहुत बड़ा ये। ऐसा नहीं मतलब क्या है, हमारे जैसे हमारे साथ क्यों हुआ यार ऐसे? हम लोगों ने क्या किया इसको? तुम को भी मुझे भी कोई ट्रक वाला दिख गया ना भेजो, तो अभी दिमाग खराब है मेरा, मतलब अम्मा बहन पे मैं अभी माँ बहन भेजो अभी बोलने अभी बहन। आई हैव टू लाइक आई एम ऑलमोस्ट रीच बीच, बीच से वापस आना पड़ा मेरे को। जिसके लिए निकला है वो तो टारगेट हुआ ही नहीं फिनिश, अब पेट्रोल ढूंढने लग गया मैं यहाँ पर। फकिंग हेल, गुड गॉड, this is a beautiful place but still I'm not in a mood to talk man, it's fucking hell. tum log aise karte rahoge this is going to be like kitna loss hai maharashtra government ko, pata hai tum logo ko, tum chutiyo logo ki wajah se kitna problem hota hai. mujhe petrol nahi mil raha yaar, that's a problem na, it's a big problem. देखा खुद का पेट्रोल पंप बना तो नहीं सकता मैं, या खुद के लिए अपना रिजर्व लेके नहीं सकता अमेरिकन जैसे? स्टुपिडिटी, दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। व्हाट इफ अगर ऐसे गाड़ियों में पेट्रोल ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको खाना वाना बनाना रहता है, ऐसे एलपीजी टाइम पे नहीं पहुँच रहा है, तो इन लोगों को क्या है, आम आदमी करेगा क्या? फकिंग इडियट्स, तुम चूतियों रूल फॉलो करने को क्या होता क्या है तुम लोगों को? छत बहन के लौड़ो, अरे नहीं भाई वहाँ पे पेट्रोल मत जा, वहाँ से आ रहा हूँ, पेट्रोल नहीं बोला उसने। पहले तो उसी पेट्रोल पंप पे गया था मैं, वो पेट्रोल पंप पे मिला नहीं मुझे, लाइक हैव टू गेट इन देयर। मुझे ना आगे मिल जाएगा पेट्रोल, चलो यार अब बीच जा ही रही, वहाँ पे आगे पेट्रोल मिल जाएगा। अब पिछले दो दिन से पंजाब में पेट्रोल नहीं मिलता है, फाइन चलो आज तो सॉल्व हो गया होगा प्रॉब्लम। स्टुपिडिटी, व्हाट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट डूइंग मैन, क्या कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट? अब वो भी क्या करेगा, पहले तो ये साले दिमाग खराब है। पहले तो इन लोगों को देखो यार, ये ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर दिखेगा ना अभी फोड़ेगा उसको मैं। दिमाग का भूसा कर दिया भेंचो दे लोगों ने सुबह सुबह, जो तभी आगे एक और पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला मेरे को, तो देखना भाई जो तभी कांडी मार देता हूँ भाई जो मैं बोले लो।
ट्रक ड्राइवर कुछ एक तो दिखना चाहिए रोड पे तुम्हारी माँ का। तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही तुम लोगों को रूल फॉलो करने को? तुम लोग को डर है इसीलिए डर, मतलब तुम लोग नॉट एबल टू स्पीक चौथ मुझे अभी ये HP वाले पेट्रोल पंप पे मिलना चाहिए पेट्रोल, तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। पेट्रोल है भाई यहाँ पे, पेट्रोल लग रहा है, कुछ भी हो जाए टैंक फुल करवा के ले ले, जो क्या मालूम है जो दुनिया का अंत होने वाला है यार। पेट्रोल डला ले, थैंक गॉड पेट्रोल है भाई। फुल करा थैंक। फुल कैमरे में देना है ना? हाँ बस बस तो HP वाला लेके आ गया। अरे यार बिजनेस करने वाले ना तुम भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। या पेट्रोल पंप चलाने वाले को भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के एडवांस में काम करना चाहिए। व्हाट इफ लाइक यू नो यू ऑलवेज शुड लाइक, मुझे लगता है यार यू शुड हैव अ प्लान बी। तो प्लान बी नहीं रहता ना तो प्लान बी की वजह से ही प्रॉब्लम होता है। प्लान देखो अभी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्लान बी रखना ज़रूरी होता है। व्हाट इफ लाइक इफ आई हैड अ इलेक्ट्रिक बाइक, तो ऐसे सिचुएशन में मैं इलेक्ट्रिक बाइक लेके आ सकता हूँ। तो ना मतलब गलती कहाँ हुई मेरे से कि मुझे इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहिए था। तो